मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग टू ऑल। आज प्रत्युष, मुस्कान, हु एल्स इज देयर? थ्री ऑफ यू आर देयर। ओके, प्रत्युष यू स्कोर्ड वेरी लेस, यू गॉट 7 out of 20 इन द टेस्ट। एंड मुस्कान, यू डिडंट राइट योर नेम देयर। यस मुस्कान, डिड यू रोट योर नेम और नॉट? Please do the test, all the small test or quiz type questions which I give you. This is just to test you yourself. You'll come to know how good you are in the topic. So if a child is getting 16 out of 20, the child is good. But if the child is getting 7, 8 out of 20, child needs to work hard. Okay. So we were discussing polynomials, so I'll start with the polynomials as time is already now. So I'm going to take up the slide of polynomial, and I'm going to go to slideshow as well. Taking time to we use the same PPT last time, so I'll be going further. We did this as well, we did this as well. To recall, I'm going to take ahead little. We did up to you can recall we did exercise 2.1 completely, and then degree also we discussed. So how many of us know degree when there are more than one variable? Highest power is known as degree. Yeah, highest power of the variable is the degree. Now there are a few questions of NCERT exemplar which I have taken here. So let's see how many of us are able to answer for them. So which one of the following is a polynomial? Can anyone tell me? There are four parts here. Which one is a polynomial? Sorry. Can you look for? I am trying to pick up my pen. On first one. First one is a polynomial. What about second part? Why it is not a polynomial? Can anyone tell me? First one is a polynomial. Who will tell me it is a polynomial or not? Pratyush, आप बोल रहे थे ना फर्स्ट वन इज अ पॉलिनोमियल। यस मैम। सो कैसे पॉलिनोमियल है जरा बताएंगे आप बेटा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल? इट शुड नॉट हैव नेगेटिव पावर, इट शुड नॉट हैव फ्रैक्शन फॉर द वेरिएबल। सो इफ आई सी एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, व्हाट डज इट गिव्स मी व्हेन इट कम्स इन द न्यूमरेटर? प्रत्युष, क्या पावर हो जाएगी इसकी? -2। तो -2 पावर क्या अलाउड है पॉलिनोमियल में? नो मैम। यहाँ पे √2x, x की क्या पावर है? हाँ, क्या पावर है x की? हाफ। रूट में है ना, रूट x का मतलब क्या है? x की पावर है हाफ। तो हाफ नॉट अलाउड होता है, तो फ्रैक्शन नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। इसको देखो,
ये 3/2 है और ये रूट एक्स है. तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी क्या आ जाएगा मेरे पास. एक स्टेप हमको वर्कआउट करके देखना पड़ता है. कैसे सिंप्लीफाई करते हैं पावर्स को, आप कह रहे थे आपने पढ़ा हुआ है पावर्स का सारा. तो ये 3/2 पावर है और डिनोमिनेटर में रूट एक्स है. रूट एक्स का मतलब क्या पावर है डिनोमिनेटर में? Yes, what is the power in the denominator if it's root x? Half. Half. और जब division होता है ऐसे तो powers add होती है, subtract होती है. Multiply में powers add होती है, ऐसे divide हो रहा है तो powers क्या होती है? Subtract होती है. तो 3/2 half minus करेंगे तो क्या बनेगा? क्या आ जाएगा? X square plus क्या बनेगा? 2/2 is what? 1 x लिख सकती हूँ मैं. अब ये सिंप्लीफाई करके एक स्टेप हमने वर्कआउट किया तो ये देता है हमें. तो इज इट अ पॉलिनोमियल? यस इट इज अ पॉलिनोमियल. सो वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट. सो मैम एक्चुअली माय पिक वाज पीसी वाज लैगिंग सो व्हिच ऑप्शन व्हिच आई वाज सिलेक्टिंग इट वाज नॉट सिलेक्टेड. Pratyush, you're giving me some reason, but I am not satisfied with the reason. In the chat, you have written, na? But work hard next time, you should score well, right? So I'm. Now, here we were. So, what about this? Is it a polynomial? ये है polynomial क्या? ये तो है अब clear हो गया ना? क्या ये है polynomial? Yes. नहीं है ना पॉलिनोमियल क्योंकि नीचे x प्लस वन आ रहा है जो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर बन जाएगी. ठीक है ना. तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस हाफ वन टू द पावर माइनस वन बन रहा है. तो जब मैं उस माइनस वन से वन को मल्टीप्लाई करती हूँ तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव पावर आएगी इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है. नाउ कमिंग रूट टू इज अ पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट डिग्री? 1/2 डिग्री. डिग्री डिग्री तो एक्स का पावर होता है. एक्स है यहाँ पे कहीं? जीरो. जीरो यस बिकॉज रूट टू कैन बी रिटन एज रूट टू इंटू एक्स टू द पावर जीरो क्योंकि x की पावर जीरो डालने पे क्या हो जाता है? वन मिलता है हमें. एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन. तो रूट टू इंटू वन बनेगा जो कि रूट टू रहेगा. तो डिग्री कैसे पढ़ेंगे? पावर ऑफ द वेरिएबल विच इज जीरो. ठीक है. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 5. किसने बताया 5? नमस्कार मुस्कान गलत है बेटा क्योंकि 0x5 का मतलब है कि ये टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करती. 0x3 का मतलब है ये टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करती. तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को पढूं तो इसमें तो 4x4 है 5x है 7 है तो 4 डिग्री होगी. ठीक है. आंसर समझ में आ रहे हैं. डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज मैम 1. सोच के बताओ. सोच के डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल मैंने कल समझाया था लास्ट टाइम में. नेचुरल नंबर. एनी नेचुरल नंबर. और बताओ आंसर्स क्या आ रहे हैं. एक ने मुझे जीरो बता दिया. एक ने मुझे एनी नेचुरल. नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज आई गेव यू एन एग्जांपल दैट आई कैन राइट जीरो एज 0x100 ऑल्सो. I can write 0 as 0 into x to the power 10 also. I can write, no? Why? Because anything multiplied by 0 is always 0. But I cannot fix this value. It may be 0, it may be 1, it may be 10, it may be 100. So it is not defined. Ma'am. Yes? Ma'am, so in this we can also use the negative numbers. I'm not saying negative numbers. I'm saying 110.
नेगेटिव नंबर नहीं ले रहे हम, ठीक है? आप देखो यहाँ पे मैंने जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताई थी उस दिन. यू वांट मी टू शो दैट स्लाइड अगेन? यस मैम. गोइंग बैक टू दैट स्लाइड. एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे ना, बीच में जल्दी जल्दी इसको ले जाती हूँ वापस. जीरो पॉलिनोमियल. The degree of the zero polynomial is not defined as zero can be written as this, this, this. We cannot fix the power of zero of variable. So degree is not well defined. सबको समझ में आ गया? तो degree zero polynomial की पूछे कोई तो not well defined. ठीक है? जल्दी जल्दी भगा रहे हैं इसको ताकि जल्दी पहुंचे. क्योंकि एक एक स्टेप पे मैंने एनिमेशन दिया हुआ था. सो वी वर हियर राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पी ऑफ एक्स स्क्वायर इज पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन. व्हाट इज पी ऑफ टू रूट टू? इसका मतलब एक्स की जगह मैं क्या डाल दूंगी वैल्यू? टू रूट टू. तो डाल के देखो क्या आता है. पी एक्स ये रहा, पी टू रूट टू निकालना हो तो एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे? टू रूट टू. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड चेक व्हाट डू यू गेट. आप वर्कआउट कर रहे हैं अपना रजिस्टर लेके सामने या नोटबुक लेके? यू नीड टू वर्कआउट एंड देन कम आउट विद द आंसर राइट. How many of you have done? Ma'am, P root 2 root 2 is equal to I minus 2 root 2. Kitna? Kitna aa raha hai beta? 2 root 2 ka square karoge na, pehle to x ka square ho raha hai. To main yahan steps likh rahi hu. Is it 1? So he's saying 1, you are saying something else. So let's put the value in check. माइनस अगेन टू रूट टू इन टू रूट टू. टू रूट टू है और अगेन क्या किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? टू रूट टू से. तो ये दोनों टर्म्स तो सेम हो गई ना, प्लस वन है. तो क्या देख रहे हैं हम? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम है कि हम सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार. टू रूट टू का स्क्वायर क्या होता है किसी को मालूम है? कितना होगा स्क्वायर? एट. इधर भी एट आ जाएगा क्योंकि वही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. प्लस वन हो जाएगा. द आंसर इज वन ओनली. आंसर इज वन. हु गिव मी वन आंसर? प्रत्युष. So one is correct. Okay. Now let's see the value of the polynomial when x is equal to minus one is. अब x क्या डालना है हमने? Minus one डालना है. डाल के बताओ कितना आएगा. Solve करो और बताओ. The two. Minus 6. Who is giving me 2 the answer? Arth, आपने दिया है? मुस्कान ने दिया? किसने दिया? मुस्कान किसने दिया आंसर 2? मैंने दिया. अच्छा, इसका मतलब ये गलत आंसर है. 2 minus 2. Minus 6 सही है. देखते कैसे? Let's work out again. I am again holding a pen and I am trying to explain. Please see. यहाँ पे, sorry. मेरे पास में पेन था इसका. I dropped the pen. So if you see, I put minus one. तो five के साथ क्या आ रहा है? Minus one. तो क्या बन रहा है? Minus five. Four के साथ minus one का जब हम square करते हैं बेटा, तो वो क्या बनता है? Positive number. मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी number का power even होता है, तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन करेंगे वन हो जाएगा. तो यहाँ पे माइनस फोर ही रहेगा. प्लस थ्री तो क्या बन रहा है वो? माइनस नाइन प्लस थ्री. देख रहे हो ना? माइनस नाइन
plus 3 which is equal to minus 6. तो ध्यान से करना इंटीजर्स को एड और सब्ट्रैक्ट. आंसर विल बी दिस. तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने बताया था कैसे देखना है. ऑनलाइन देख के उसके क्वेश्चंस ट्राई करो. मैंने थोड़े से यहाँ पे लिए. अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम जीरो का कॉन्सेप्ट. व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन. रूट हम वर्ड यूज कर रहे हैं इक्वेशन के लिए. जीरो वर्ड यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल के लिए. चीज सेम है. Zero of a polynomial is a number for which polynomial reduces to zero. जैसे x minus one है, तो x one डालने पे ये zero हो जाता है. तो x is equal to one क्या है इसका? Zero है. समझ में आ गया? अब इधर देखते हैं root. Root क्या होता है? जो equation को satisfy करे. ये equation है. इसको क्या value satisfy करेगी? Four. Four में से four गया zero. तो four को कह देंगे root. तो जब हम इसको इक्वेशन की तरह लिखते हैं हम वर्ड रूट यूज करते हैं. जब हम इसको पॉलिनोमियल की तरह लिखते हैं वर्ड जीरो यूज करते हैं. बट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं उसको सॉल्व ही कर रहे हैं जीरो के इक्वेट करके. है ना? एक्स माइनस वन को मैं जीरो के बराबर करूं तो एक्स क्या आएगा? वन. यस. ठीक है. और एक्स माइनस फोर को अगर जीरो के इक्वेट कर रहे हैं तो क्या आएगा? एक्स फोर आएगा. तो दोनों में हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली इक्वेशन को. और पहले में जीरो बोलते हैं दूसरे में रूट. यस प्रत्युष आप कुछ कह रहे थे बेटा? मैम मींस द आंसर मस्ट बी जीरो. इफ इट गिव्स द जीरो सेटिस्फेक्शन सो द इट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. यस आंसर शुड कम आउट टू जीरो. बाय व्हिच वी बाय व्हिच. नाउ लेट्स सी दिस. x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. वी ऑल नो इट कैन बी रिटन एज दिस बिकॉज़ इट इज x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. Yes. X square, sorry, square नहीं लिखा ठीक से मैंने. Minus two square लिख सकती हूँ मैं इसको. So it is a square minus b square. One time I add, one time I subtract. So what are the values? X is equal to 2 and x is equal to minus 2. Can you all see? There are two values which satisfy this equation. 2 का स्क्वायर भी करेंगे 4 आएगा. माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 आएगा और आंसर 0 आ जाएगा. इसलिए दो रूट्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मींस 1 डिग्री है तो एक आंसर है, 2 डिग्री है तो दो आंसर है. तो कितने जीरोस होते हैं? जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री है उतने जीरोस मिलेंगे हमें. ठीक है. अगर मैं इसको एक पॉलिनोमियल बना दूं जीरो के इक्वेट ना करूं तो हम कहेंगे दो जीरोस हैं इसके, टू और माइनस टू. और अगर हम इक्वेशन कह रहे हैं तो हम कहेंगे देयर आर टू रूट्स, टू एंड माइनस टू. ठीक है. तो व्हाट वी हैव लर्न दैट नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. जीरोस आर नंबर्स फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल रिड्यूसेस टू जीरो. वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं वैल्यू? वो वैल्यू डाल के हमने दो क्वेश्चन कर लिए. एक्स की माइनस वन वैल्यू डाल के हम वैल्यू निकाल लेते हैं पॉलिनोमियल. अब हम क्या देख रहे हैं कि सिंस पी ऑफ माइनस वन इज जीरो हियर, आई एम जस्ट पुटिंग माइनस वन, सो व्हाट आई एम गेटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज ए जीरो. तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू को इसमें डाल के देखेंगे. जिसके लिए जीरो आ जाएगा वो जीरो हो जाएगा इसका. ठीक है. Is the question clear? अब वो पूछ रहा है zero of the polynomial this. अब ये quadratic था. Can you see it is two degree? तो quadratic बुलाते हैं. उसके लिए हमने क्या किया? कोई भी random value डाल के देख ली. Random value पे zero आ रहा है, हमने कह दिया ये zero है. अब इसको क्या factorize करना आता है आपको? X square minus 3x minus 4. Do you know how to factorize? Splitting the middle term सीखा हुआ है ना 8th में? Yes ma'am, middle term splitting. हाँ, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मुझे स्प्लिट करके बताओ क्या आएगा इसमें दो फैक्टर्स. सबको आता है ना? कैन यू डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड गिव मी द फैक्टर्स?
मुझे फाइनल आंसर चाहिए जो ब्रैकेट में दो फैक्टर्स आते हैं ना. एक हिंट मैंने तुमको यहां से दे दिया क्योंकि x माइनस वन जीरो है तो x प्लस वन फैक्टर बनेगा, ठीक है ना. अब दूसरा ढूंढो. गिव मी बोथ द फैक्टर्स. x माइनस वन होल इनटू x प्लस वन. x माइनस फोर होल इनटू x प्लस वन. x minus 4 will be the other factor. Who has given me the answer? Can I know the name of the child? Muskan, आपने दिए है? किसने आंसर दिए है मुझे ये? ये दोनों फैक्टर्स बताए ना बेटा. Have you given me these two factors? Say yes or no. Yes. Can anybody tell me? सबको आ गया ये factors ढूंढना. अब अगर ये दो factors हैं तो एक zero minus one है, दूसरा zero क्या होगा बताओगे? ये minus one डालने पे ये zero हो जाता है तो इसका मतलब zero into something is zero. यहाँ पे क्या डालेंगे जिससे ये zero हो जाए? प्लस फोर. यस, तो इसके दो जीरो हम ऐसे पढ़ते हैं, एक माइनस वन क्योंकि माइनस वन प्लस वन जीरो दे देते हैं, दूसरा फोर माइनस फोर जीरो दे देता है. तो हमारे अगर एक भी फैक्टर जीरो है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा. तो इसलिए माइनस वन एंड फोर आर टू जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल. जीरो ढूंढने आ गए, ठीक है. अब आगे चलते हैं. जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है हमें ये पढ़ना है. अब हम जीरो पढ़ेंगे दो चीजों के लिए, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए, एक जीरो पॉलिनोमियल के लिए. फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल फाइव है, इट हैज नो जीरो बिकॉज रिप्लेसिंग एक्स बाय एनी नंबर इन पी एक्स स्टिल गिव्स अस फाइव. इसका मतलब ये है कि अगर मैं फाइव को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ. सबको मालूम है फाइव इंटू एक्स टू दी पावर जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल को ऐसे ही लिखते हैं ना. हाँ. अब मैं एक्स का कोई भी वैल्यू डालू ये तो हमेशा वन रहेगा. हाँ. इट विल ऑलवेज बी वन. सो फाइव, देयरफॉर आई एम नॉट गेटिंग एनी जीरो. जीरो तो आता ही नहीं कभी भी इसमें. So there is no zero. So constant polynomial has. Who is doing this with pen pencil here? Who is fiddling with the PPT? Okay. So what is the important result? That constant polynomial has no zero. अब हम बात करें zero polynomial के लिए. Every real number is zero. Why? Because zero polynomial को हम zero लिखते हैं. इसके साथ x की कोई भी power डाल दूं, मैं 10 डाल दूं, 100 डाल दूं, अब ये हमेशा ही zero होगा, ठीक है ना? क्योंकि x की कोई भी value डाल दो यहाँ पे, ये answer तो हमेशा zero है. तो every real number is a zero. Have you understood? Yes. Every real number is a zero of the zero polynomial. तो zero की जब बात करेंगे तो constant polynomial का कोई zero नहीं होता. Zero polynomial का हर number zero है, ठीक है? तो ये important result है दोनों जो हमें याद रखने हैं. अब how to find zero of a general linear polynomial? कोई भी मुझे linear polynomial इस तरह का दे रखा हो, ax plus b, इसका जीरो ढूंढने के लिए मैं इसको जीरो के इक्वेट कर देती हूँ. जैसे ही मैं जीरो के इक्वेट करती हूँ क्या वैल्यू आती है? तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमने क्या देखा, एक ही जीरो होता है.
अभी हम पहले देख चुके हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक जीरो रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो रेड से मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कैसे हम ढूंढते हैं, जीरो के इक्वेट कर देते हैं। अब देखते कोई क्वेश्चन, चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस और नॉट। हाउ डू आई चेक? आई पुट द वैल्यू, टू डाला माइनस टू डाला, टू डालने पे फोर आता है, माइनस टू डालने पे जीरो आता है। तो हम क्या कहेंगे, माइनस टू इज जीरो बट टू इज नॉट। समझ में आ गया, ये कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ जी प्रत्युष, रीजन फॉर दैट? यस, यू हैव टू सॉल्व एंड गिव द रीजन। As I have solved and then come to a conclusion. I have shown two steps. Therefore, minus 2 is a 0, but this is not. Okay? Find a 0 of this. How do you find 0? You equate it to 0. Okay? So, finding 0 is same as solving the equation. Solving a linear equation is very easy, we all know. So you get x is equal to minus half is zero. Sanskriti, you joined late. Sanskriti. Yes, ma'am. And yes, Shakti Swarup is some student or some, but I have not seen this name before. So Priyanka ma'am, Shakti Swarup is a participant? Yes, ma'am. Okay, fine, thank you. So, संस्कृति आपको समझ में आ रहा है? आपने आपको म्यूट करो, सब लोग पहले कहीं से आवाज आ रही थी, कौन है जिसने म्यूट नहीं किया हुआ? अच्छा ठीक है, सो आई एम मिनिमाइजिंग दिस अगेन। नाउ नेक्स्ट स्क्रीन आई एम टेकिंग, आई बी आस्किंग यू नो क्वेश्चन, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन। Please see the last point here. Number of zeros can be at the most equal to the degree. कितने जीरो हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा उतने जितनी डिग्री है। क्यों ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं यहाँ पे हम, कोई बताएगा? Yes? Ma'am, ma'am, because if we will take the value of x is zero, so the means जितनी भी degree हमने ली है उतने को अगर हम zero से वो करेंगे तो power the answer will be always zero. No, it is not the reason. It is not the reason. कई बारी क्या होता है, same value answer आ जाती है। कई बार हमें अगर ऐसे दे रखो, please see. ये x लिखा है मैंने अपनी तरफ से, ठीक है, प्लस वन। अब इसको मैं अगर ध्यान से देखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस वन होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? बताओ, कैन आई राइट लाइक दिस? दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ टू डिग्री, मैंने इसको देखा और मैंने आइडेंटिटी लगाई तो x माइनस वन होल स्क्वायर खुलने पे मुझे यही मिलता है। तो मैंने इसको आइडेंटिटी की हेल्प से लिख दिया दिस। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, दो बार ही आ रहा है x माइनस वन, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि इसके जीरोस क्या है, वन और वन, क्योंकि दो बार लिखूंगी इसको तो दो जीरोस मिलेंगे मुझे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब मैं इसको दो बार लिख सकती हूँ ऐसे ब्रैकेट में, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, दोनों में वन डालने पे जीरो मिल जाता है। तो दो जीरोस हैं बट दोनों सेम जीरोस हैं, वन और वन। तो कई बार रूट्स हमारे रिपीट करते हैं, जीरोस रिपीट करते हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कैन मैक्सिमम और एट द मोस्ट बी इक्वल टू द डिग्री। तो जितने डिग्री हैं उतने जीरोस होते हैं। ये अगर दो डिग्री है दो जीरोस हैं पर दोनों सेम आ रहे हैं, तो एक्चुअली तो एक ही जीरो पढ़ूंगी मैं वन, पर क्योंकि वो दो बार ही आ रहा है तो इसलिए हम कहते हैं कि
मैक्सिमम दो होते हैं तो हम उसी नंबर को दो बार लिख देते हैं जब मैक्सिमम दो होते हैं। और कई बार दो अलग आते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया माइनस वन और फोर आए थे ना दो जीरो। कई बार दो अलग मिलते हैं, कई बार दो सेम मिल जाते हैं, तो इसलिए जब सेम होते हैं मैं आपसे पूछू आपको वन इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलीनोम, क्योंकि वन डालने पे ही जीरो आता है। तो वन दो बार डालो या एक बार डालो मतलब तो वही है कि जीरो तो एक ही है वन। तो मैक्सिमम हम इसलिए वर्ड यूज करते हैं कि ज्यादा ज्यादा दो बार आता है, कई बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया प्रत्युष? अदर्स हैव अंडरस्टूड? एट टाइम्स द जीरोज आर रिपीटेड, सो व्हेन दे आर रिपीटेड वी कॉल वन एंड वन, बट है तो एक ही वैल्यू ना वन। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे कि दो होने चाहिए पर कई बार रिपीट करते हैं। बाकी सब तो हमें समझ में आ गया। पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, क्योंकि जितनी डिग्री होगी उतने जीरो, लीनियर का एक ही होता है, और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी जीरो ऑल्सो। कई बार जीरो भी आंसर आ जाता है पॉलिनोमियल का, जैसे मैंने कहा ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ए पॉलिनोमियल, गिव मी इट्स जीरो। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ए पॉलिनोमियल, गिव मी इट्स जीरो। कब आएगा जीरो? जब ए क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना, या इसको सॉल्व करूं मैं, सॉल्व करने पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए। व्हाट इज जीरो बाय ए? जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो। तो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ रहा है? जीरो, क्योंकि जीरो डालने पे ही पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। तो जीरो वैल्यू मे बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज टू रीड। ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा जीरो नहीं होगा, नीड नॉट बी जीरो, कभी हो सकता है कभी नहीं होगा जीरो। ठीक है ना, जैसे यहाँ वन जीरो है, यहाँ माइनस वन फोर है, और यहाँ पे जीरो ही जीरो है। तो जीरो इज ए वैल्यू विच मे बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बट नॉट ऑलवेज, राइट? सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई गेव यू टाइम टू राइट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन। नेक्स्ट स्लाइड आई एम टेकिंग। हाउ टू फाइंड जीरोस? दो तरीके होते हैं जीरो निकालने के। एक तो हमने देखा कि हम वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते हैं, एक हिडन ट्रायल भी होता है। ये देख रहे हो, ट्रायल एंड एरर या हिडन ट्रायल कहते हैं। तो एक तो होता है हमने जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है, इसको जीरो के बराबर किया, एक्स टू आया और हम कह देंगे इट इज ए जीरो। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या करें? चेक, लेट अस चेक फॉर आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी वर्ड है ये, वाई मिसिंग है। आर्बिट्ररी वैल्यूज ऑफ एक्स, x की वैल्यू हम क्या डालते हैं? वन माइनस वन टू कुछ भी डाल लेते हैं, छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं। वन डालते हैं नहीं जीरो आता, माइनस वन डालते हैं नहीं आता, टू डालते हैं जीरो आ जाता। तो हम कहते हैं कि जहां जीरो आया वही जीरो है। ठीक है, बट ये आसान तरीका है, सॉल्व कर लो और निकाल लो। तो दो तरीके हैं, एक हिडन ट्रायल होता है, एक हम सॉल्व करके निकालते हैं। दो तरीके से हम जीरो निकाल सकते हैं। सबको समझ में आया? How do you find zeros? Equating the polynomial to zero or using hit and trial method? Okay, just a minute. There's a call which I have to receive. Hanji Gandhi. Yes. अच्छा, उनको बोलो थोड़ा देर में आएंगे, 15-20 मिनट में। अभी अंकल तो दिख नहीं रहे सामने। ठीक है, ओके ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट जीरोस। नाउ एक्सरसाइज 2.2, विल यू सॉल्व योरसेल्फ? गिव मी द आंसर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो डालना है, क्या आंसर आएगा मैम? 3। वेरी गुड। एक्स माइनस वन डालेंगे क्या आएगा? चेक चेक चेक, माइनस सिक्स। ओके,
टू डालेंगे क्या आएगा? माइनस थ्री. यस मैम, माइनस थ्री. सो माइनस वन डालने पे सिक्स आ रहा है. माइनस फाइव, ये वही क्वेश्चन है. अच्छा, जो हमने पहले सॉल्व किया. टू डालने पे क्या आ रहा है? टेन माइनस माइनस थ्री. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. टेन प्लस थ्री थर्टीन हो जाएगा. थर्टीन में से सिक्सटीन गया, माइनस थ्री. अब पी जीरो पी वन पी टू निकालना है हर एक पॉलिनोमियल के लिए. क्या करना है? पहले जीरो डालना है, फिर वन डालना है, फिर टू डालना है हर एक पॉलिनोमियल में. तीन तीन आंसर आएंगे हर एक केस में. तो सॉल्व करो. पी जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू सॉल्व. Let's discuss the answers of the first part. One and one. P one करेंगे. P one भी one आ जाएगा. P two क्या आएगा? Mam three. So two डालेंगे तो four plus one five. Five minus two three. ठीक है. तो ये किसने दिए मुझे तीनों values? मैम फर्स्ट टू संस्कृति एंड थर्ड वन वाज गिवन बाय मुस्कान और समवन. पी टू किसने दिया मुझे? प्लीज मुझे बताओ, मैंने ध्यान नहीं दिया. हु वाज द पार्टिसिपेंट हु रिस्पोंडेड? पुनीता इज सेइंग गुड इवनिंग. पुनीता, यू कुड नॉट डू दैट वेल इन द प्रीवियस टेस्ट. आई डोंट नो व्हाई. आई सॉ योर मार्क्स, दे वर वेरी लेस. See, when you attempt any such quiz, the result automatically comes to me. Like Sanskriti gave me the mark 16. तो आपने मुझे marks नहीं बताए, but मेरे पास आ जाते हैं number. ठीक है, वो online test होता है ना, उसमें मेरे पास अपने आप आ जाता है response of every student. There is lot of disturbance. Someone needs to mute. Who is there? Sanskriti. Can you see? If you are not mute, kindly mute yourself. There's a lot of disturbance. So Punita, I was talking to you. You could not do well in the test that time. So kindly see to it that you revise your topics thoroughly. Do daily practice so that you score well. And as suggested by me, use NCERT exemplar to revise the concept, because NCERT question dobara wahi karke bada boring lagta hai na. So NCERT exemplar mein different question milte hain, you enjoy doing it. So refer to NCERT exemplar. It is online available, and if you want, I can give you the link also. Okay ma'am. So, ma'am, I got less time. Ma'am, that's what I was wondering. You have been doing well in the class. I don't know why you got less. Anyway, now what is second part? PT. What are the values? P zero kitna aata hai? T ki value zero dalenge. Jab hum P zero keh rahe hain, kya karenge? T ki jagah hum zero, one or two dal rahe hain. Pehle zero dalenge, fir one dalenge, fir two dalenge. To teen answers aayenge. तो जीरो डालने पे क्या आता है आंसर, मुझे कौन बताएगा? टू. टू. वन डालने पे मैम फोर. टू थ्री टू फाइव, फाइव माइनस वन फोर, राइट. टू डालने पे मैम फोर. सॉल्व करा आपने? यस मैम. प्लस टू फोर हो जाएगा, इधर एट है. फोर माइनस इट इज माइनस टू, माइनस फोर एंड प्लस एट इज फोर. गुड, लेट्स सी हियर. जीरो पे तो जीरो होगा, सबको मालूम है. यस मैम. वन पे वन होगा. यस मैम. क्या हो जाएगा मैम? एट. वेरी गुड, दिस वाज इजी टू सॉल्व. हियर व्हेन आई पुट जीरो इट गिव्स मी हाउ मच? माइनस वन. माइनस व्हेन आई पुट वन लेट्स जीरो
वन डालने पे जीरो हो जाएगा या टू डालने पे? थ्री. वेरी गुड. So we are good in doing all these. This was yes, the ma'am. Exercise yes, ma'am. 2.1 हमने उस दिन सारी डिस्कस कर ली थी, डिग्री और सब कुछ, है ना? Yes, ma'am. आगे चले. The answers are given here. 3 minus 3, 6. So let's see this. Verify whether the following are zeros of the polynomial or not. कैसे देखेंगे हम? कौन बताएगा क्या करेंगे हम इसमें? Ma'am, we will put the value of x as in first part. As in first part, I will put minus 1 upon 3. And then we will check whether the answer is coming 0 or not. If the answer is 0, we will say yes, it is a 0. Answer 0 nahi aayega, to hum kahenge nahi hai 0. No. To solve karke dekho sab cases mein. Yes, ma'am. Mujhe yes, no batate jana solve karne ke baad. Okay, ma'am. There are 8 parts. My first one is yes. First one is yes. And second one is no. Yes, ma'am. Third one. Yes. कौन और solve कर रहा है? सानवी भी है. सानवी solve कर रही हो? आ रहा है समझ में? Third one में बताओ. Yes. दोनों केस में वन है? दोनों केस में यस है? दो वैल्यूज है ना, दोनों में यस है. दोनों में अलग अलग निकाल के देखना पड़ेगा. दोनों में यस है. हम अलग अलग निकाल के देखे, जीरो है दोनों में. जीरो है. फोर्थ पार्ट यस. यस मैम. यस माइनस वन में तो है, टू में भी है, तो दोनों में यस. यहीं से पता चल रहा है ना हमें. माइनस मैम फिफ्थ आल्सो यस. थ्री आल्सो यस. सिक्स देखो. इट इज आल्सो यस. माइनस यस. माइनस सेवेंथ. एंड इन सेवेंथ पार्ट माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री इज ए जीरो. यस और नो? And what about 2 root 3? क्या आता है 2 root 3 डालने पे? सॉल्व करोगे क्या आएगा? 4 आ जाएगा इधर. 2 टू द 4, root 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 से कट जाएगा, तो आंसर 3 आता है ना? 3 आता है आंसर, तो नो आ जाएगा. आंसर इज 3 व्हेन आई पुट 2 रूट 3. सबको आता है 2 रूट 3 डालना? 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, इधर 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा. अर्थ ने बोला हो गया, तो ये और ये कट जाते हैं ना, तो 4 में से 1 जाता है, 3 बन जाता है. तो हम इसलिए कहेंगे नो, इट इज नॉट ए जीरो. यहाँ पे हाफ है ये. Who is enjoying this scribbling the PPT? Ma'am, last is one. Last is one, so it's no. Yes, ma'am. अच्छा ये कौन कर रहा है? कोई छोटा बच्चा है या कोई आप में से ही कर रहा है? ma'am, संस्कृति. You are doing संस्कृति? Yes, ma'am. So don't scribble, beta. Don't play with the PPT. No, ma'am. I am not playing. I am answering. So who is the one who is playing with this pen and scribbling? कौन enjoy कर रहा है? पहले तो ये पता चल जाए. Be honest and tell me. क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कौन कर रहा है, तो आप खुद बताओ किसने किया ये. कोई नहीं बताएगा आप जब मैं पूछूंगी तो. किसने किया ये गोल गोल ऐसे लाइनें? कौन है बताओ पहले, मैं नहीं पढ़ा रही आगे. किसने किया बताओगे? बी ऑनेस्ट. मे बी यू आर एंजॉयिंग दिस एक्टिविटी, ऑल्दो आई डोंट एंजॉय, बट मे बी यू आर एंजॉयिंग. एंड सिंस आई एम नॉट एबल टू रब विद इट, मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द रबर और विद द पर्सन हु हैज डन इट.
तो जिसने किया है वही मिटा सकता है, देख रहे हो, मेरे मिटाने से नहीं मिट रहा है ना, किसने किया वो मिटाए जरा, जो मैंने लिखा है मिटा रही हूं मैं, देखो मिट रहा है ना, जो मैंने नहीं लिखा है वो नहीं मिट रहा है, देख रहे हैं आप सब, कैन यू सी द स्लाइड, कैन यू ऑल सी, किसने किया है प्लीज बताओ, और या वो मिटाएगा, चलो रब करो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रब इट, हु हैज डन इट, मैम दे ऑल आर अटेंडीज ना, देन प्रियंका मैम हाउ कैन दे fiddle with the things, Priyanka ma'am are you there? Yes ma'am. Like if this is my PPT, I'm using pen to explain the concepts. तो ये चार participants में से किसी ने pen चला के ऐसे गोल गोल लाइने डाली, अब मैं इसको rub करना चाह रही हूँ तो rub नहीं हो रहा, आप करोगे तो रब नहीं होगा, जिस पार्टिसिपेंट ने कर दिया है वो ही रब कर सकता है, तभी कह रही हूँ कि जो भी कर रहा है वो, इससे बेटा क्या हो रहा है, आपके लिए तो मस्ती है आपने ऐसे ऐसे कर दिया, पर मैं जब इस पीपीटी को क्लोज करूंगी तो ये हमेशा के लिए इसमें निशान रह जाएंगे अगर आप रब नहीं करेंगे, मैम अगर इसमें से ये लोग जो है कोई रब नहीं करते हैं तो मैं बैकेंड से पता कर लूंगी कि किसने किया है, तभी कह रही हूँ कि मैं अभी रब कर दो और बता दो ऑनेस्टली कि हमने किया मस्ती में, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बैक एंड तक जाने की जरूरत ही नहीं है, भी बता रहे हो कि किसने किया है, प्लीज इसे रब कर दो, नहीं क्योंकि मैं बैक एंड से पता करके फिर क्लास से हटाऊंगी उसको, हाँ इसको रब करो, बिकॉज इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस डियर टू मेडल विद द पीपीटी और द ऑडियो सिस्टम हियर, राइट डियर, हु इज देयर, अर्थ आपने की है क्या, किसने किया फिर, कोई बोलेगा ना कि मैंने किया मैम, मैं अभी रब करता हूँ, कोई बोलेगा प्लीज इसे रब करो, नहीं तो मैं बैक एंड से अभी देख के उसे क्लास में से रिमूव कर दूंगी, प्रत्युष हैव यू डन इट, नो मैम आई विल डन इट, no no at times you wanna feel like trying that ma'am is using pen, let us also see if we can use pen on this, no ma'am, so if you have done a hit and trial thing and it is there, so kindly remove it, because what happens, what I kar diye hanje ma'am ye shakti swarup ne kiya, ha yes ma'am unhone usne bonding ka class bhi exit kar diya, acha चलिए कोई बात नहीं, सो आई एम मिनिमाइज, मैं मतलब देखूंगी अगर ये ना लॉगिन करते हैं जो भी शक्ति है, मैं देखूंगी उसको, बोलो शक्ति को अभी रब तो करे इसको, कम से कम उसको बाहर कर दिया, मैं उसने एग्जिट कर दिया, सो ही इज अ फ्री लांसर हियर ना, फ्री जॉइनर हियर, दैट्स द रीजन, चलो कोई बात नहीं, सो के मैम मैं देखती हूं, हाँ कोई बात नहीं, सो हम अब कर रहे थे कौन से क्वेश्चंस, लेट्स कम बैक, इतना टाइम इसी में वेस्ट हो गया, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन द फॉलोइंग केसेस, हाउ डू यू फाइंड जीरो, कैन यू क्विकली गिव मी आंसर फॉर दिस, फर्स्ट वन विल बी द माइनस वन, फर्स्ट माइनस फाइव, माइनस फाइव बेटा, फाइव सॉरी मैम, सॉरी फाइव, यहाँ पे मैम फाइव, फाइव सॉल्व भी तो करना है, यहाँ पे इसको जीरो को इक्वेट करो और सॉल्व करो, माइनस फाइव अपॉन टू, वेरी गुड, टू है ये, इसमें क्या आएगा, टू अपॉन थ्री, वेरी गुड, इसमें क्या आएगा, जीरो अपॉन थ्री, जीरो अपॉन थ्री जीरो ही होता है तो जीरो लिखोगे, ठीक है, ये जीरो अपॉन ए आया आपके पास है ना, तो जीरो अपॉन ए जीरो ही होता है, अभी मैंने समझाया था ना, या मैम या मैम, तो जीरो अपॉन ए जीरो ही होता है, इसमें ये सी एक्स प्लस डी है, तो हम इसको लेंगे तो माइनस डी अपॉन सी आता है, तो सॉल्व करना है सिंपली, ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मैंने कुछ कुछ सॉल्व किए हैं आपके लिए, ये देखो आंसर थ्री, वी नो दैट एनी वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो इफ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ x माइनस m बाय l था, मैंने डाला x माइनस m बाय l, डाल के l और l कट जाता है, माइनस m प्लस m जीरो देते हैं, तो इसलिए हेंस वी से इट इज अ जीरो। हमने यस नो में आंसर दिया ना, सॉल्व आपने रफ में कर लिया था, ऐसे सॉल्व करके दिखाते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहले ये पता होना चाहिए कि कब जीरो होता है, जब जीरो आंसर आएगा वैल्यू डालने। यहाँ पे देखो वन बाय रूट थ्री जब हमने किया, तो वन बाय रूट थ्री में हमारे पास वन बाय रूट थ्री इंटू वन बाय रूट थ्री स्क्वायर है ना, जिनको नहीं आया समझ में पिछले उसमें ओरली किया था, अब ध्यान से देखो, तो ये आ जाता है थ्री इंटू वन बाय थ्री, थ्री थ्री कट जाता है, वन माइनस वन जीरो हो जाता है। जब हम टू बाय रूट थ्री डाल रहे, फिर से किसने किया है, प्लीज ही शुड बी रिमूव्ड ऑफ द क्लास, दिस इज फॉलोइंग इन एवरी नाउ स्लाइड, हर स्लाइड में आ रहा है ना ये, देखे तो ये हमारे पास आ रहा है फोर बाय थ्री माइनस वन विच इज थ्री विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ देखो, वी फाइंड जीरो फॉर पॉलिनोमियल वी कंसिडर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जीरो बाय थ्री आया, तो जीरो बाय थ्री इज जीरो, hence x is equal to 0 is the 0 of px. तो जो value 0 दे रही है वही 0 of px होगा। यहाँ पे 0 by a था, तो 0 by a को हम 0 ही पढ़ते हैं। यहाँ पे जब मैं इसको equate करती हूँ 0 के, तो ये ऐसे बनते हैं ना, यहाँ step दे रखे हैं मैंने, equate किया 0 के, तो minus d उस तरफ जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है 0 minus d upon c, तो minus d by c is 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ मुश्किल नहीं था, ये हमने कर लिया 2.4। अब कोई डाउट है 2.2 तक तो पूछो, कोई डाउट है? नो मैम, नो मैम। अच्छा मैं देखूं आगे इस स्लाइड में है, देयर इज अ होमवर्क गिवन टू यू, सो व्हाट इज द होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2, एग्जाम्पलर खोल के उसका 2.1 और 2.2 करो अपने आप से, ठीक है। और जब वो कर लोगे तो इस चैप्टर के टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब जब हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं, पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, की पॉइंट्स लिखते हैं, की पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द चैप्टर विच आई एक्सप्लेन यू डिफाइन पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो और रूट में फर्क बताया मैंने, ठीक है, एंड देन यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस। दिस वॉज अबाउट दिस। नाउ we have to take remainder theorem and factor theorem, which is the next topic. So in the next topic we are going by division of polynomials, and let me see if I have, there is a video here how to divide a polynomial. I would like to operate the video, let me see what is wrong, why it is not working. Videos are normally bothering in the sense, kai baar chalti hai kai baar nahi chalti hai, to mujhe dekhne do, pen chhod ke shayad main chalaun। तो अब देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को। आपने एट्थ में पढ़ा हुआ है ना, इधर थे ना, अगेन इट्स टेकिंग मी बैक टू दिस स्लाइड, आई वांटेड टू प्ले, वेयर वाज द प्ले बटन, देयर वाज समवेयर हियर द प्ले बटन, ओके। सो लेट्स सी द डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, so what has been written, long division is similar to long division of whole numbers, so ek simple sa concept bataya gaya hai ki agar 35 ko divide karte 36 ko 5 se, to 7 quotient hai aur 1 remainder hai, sabko malum hai ye baat। ab aage chalte hain, let's see what does it shows ahead, is it not working the video, problem with this system of video working, you know? I've been trying to upload. जैसे मैं उसको क्लिक करती हूँ ना, वो आगे स्लाइड भाग जाती है। ओके, मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लेती हूँ, so that how much we've understood is fine. Now let's see further.
So what is it explaining? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Or dividend divided by divisor is equal to quotient plus remainder by divisor. This fact we all know. If you want, I can play. Please see the powers. 3, 2, 1. Okay. So let's see what we get in the previous question.
So if I go back to the video again and I take it to the end, I'll be taking you to that particular question. So I'm going to drag it to the last step where we reach here. Okay, so can you all do this division right now? Do it yourself. You saw the video. Let's see how many of you are able to do. It is 6:45. So take down this question and we'll meet you in the next class and we'll discuss further, because already the class has been postponed for 15 minutes. So the entire schedule should not be disturbed too much. So we'll wind up today. Okay, all of you are there? Yeah, ma'am. So can you note down the question and divide yourself at home so that next time when we meet, we'll discuss the answer. Okay, yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Noted. Okay, noted. When you log out from the class, it will be disappear. Okay, fine. Thank you. So I'm trying to end the meeting, right, ma'am? But on the chat, somebody is writing, can you give... Punita is saying, please increase the meeting by 10 minutes. Can you give the number? So, am I supposed to share the number with them? Yes, ma'am? Yes, ma'am. They want to have their doubts on WhatsApp with me. Can I share my number? They are asking for my number. Ma'am, I don't know all this. Can you share in next class, ma'am? Yeah, sure. Okay, then. Students, for the time being, you can meet me in the next class and ask your doubts and take down this question. Okay, I am now ending the meeting anyway. So all of you will meet next time. Bye. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am.